वैक्टर्स पार्ट वन में हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन क्लोनिंग वेक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाजमिट वेक्टर्स को डिस्कस किया था इसका वीडियो आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स में वेक्टर्स बेस्ड ऑन वायरल डीएनए को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है पहला जो भाग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या उद्देश्य है उसके आधार पे वेक्टर्स को एक्सप्रेशन वेक्टर्स या क्लोनिंग वेक्टर्स में डिवाइड किया है दूसरा जो होस्ट सेल जिसमें वेक्टर को इंसर्ट किया जा रहा है यानी जो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो रही है उसके आधार पे वेक्टर्स को चार भागों में डिवाइड किया है वेक्टर्स फॉर बैक्टीरिया वेक्टर्स फॉर ईस्ट वेक्टर्स फॉर एनिमल्स और वेक्टर्स फॉर प्लांट्स तीसरा है जो हमारी होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो रही है उसका सेलुलर नेचर क्या है उसके आधार पर जो वेक्टर्स को प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स जैसे कि बैक्टीरियल वेक्टर्स और यू कैरेटिक वैक्टर्स बताया गया है जिसमें ईस्ट एनिमल और प्लांट वेक्टर्स हैं क्योंकि यहाँ होस्ट सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है उसके बेसिस पे तो यहाँ हमारे वायरल वेक्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो होस्ट नहीं होते हैं इसके बाद हम समझेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन वायरल डीएनए क्योंकि हम ई e. कोलाई के वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा ई कोलाई वैक्टर्स बेस्ड ऑन वायरल डीएनए भी हो सकता है वायरल वेक्टर्स में जो हमारा डिज़ायर डीएनए एन ए जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं ऑफ इंटरेस्ट उसको वायरस के जीनोम के साथ जोड़ दिया जाता है और वायरस इन्फेक्ट करता है सेल्स को यानी बैक्टीरिया को विद हाई एफिशेंसी इसमें क्लोंड जीन्स भी जो हमारे बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं स्लाइटली हाई फ्रीक्वेंसी पे इन कंपैरिजन टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे कॉमन वायरल क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो हैं हैंमडा फेज वेक्टर्स और एम थर्टीन फेज वेक्टर्स सबसे पहले हम लेमडा फेज के बारे में पढ़ेंगे लेमडा फेज एक बैक्टीरियो फेज है जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है और वाइडली यूज होता है एज क्लोनिंग वैक्टर्स लैमडा फेज रेप्लीकेट करता है दो प्रकार से लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से इसको हम एक ब्रीफली समझ लेते हैं जब हमारा बैक्टीरियल फेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके वो दो प्रकार की लाइफ साइकिल्स को फॉलो करता है एक है लाइसोजेनिक साइकिल जिसमें कि हमारा जो बैक्टीरियल जो वायरस का डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट बैक्टीरिया के जीनोम के साथ और जब हमारा होस्ट बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो उसके साथ ही हमारा वायरस का जो जीनोम है वो भी ट्रांसफ़र होता रहता है इसको कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल दूसरा है हमारा लिटिक साइकिल लिटिक साइकिल में जो हमारा वायरल डीएनए है वो होस्ट के बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज़ करके ख़ुद को रेप्लिकेट करता है और फेज की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है मल्टीपल कॉपीज़ के प्रेजेंस की वजह से होस्ट बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाती है यानी उसकी लिसिस हो जाती है और फेज जो है हमारे वो बाहर आ जाते हैं तो हमारा जो लैमडा फेज है ये लिटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल्स को फॉलो करता है इसमें सिंगल लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसका साइज़ है फोर्टी एट का प्रेजेंट होता है जिसमें 46 जीन्स होते हैं जो हमारा सिंगल लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके दोनों एंड्स पर कॉस साइड्स प्रेजेंट होती हैं यानी कॉस एंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्वेल्व बेस पेयर के सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस हैं क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज हैं तो ये स्टिकी का एंड्स का काम करते हैं और लिसिस के दौरान यानी लिटिक साइकिल के दौरान फ़ेज के पैकेजिंग के दौरान ये जो फेज का डी एन ए है फेज का उसको सर्कुलर बना देते हैं आपस में जॉइन होकर सिर्फ थर्टी सेवन से फिफ्टी टू के बी तक का डी एन ए जो है वो लेम्डा फेजिज़ में पैक हो सकता है यानी उसकी पैकेजिंग हो सकती है इसलिए अगर हम लेमडा फ़ेज को एज इट इज़ वैक्टर की तरह यूज़ करें तो हम सिर्फ थ्री के बी डी एन ए का ही इंसर्ट यानी डिज़ायर डी एन ए इसमें जोड़ पाएंगे जो कि बैक्टीरियो फ़ेज में पैकेज हो पाएगा और उसके बाद वो इकोलाई e. को इन्फेक्ट कर पाएगा लेकिन क्योंकि ये थ्री के बी का डी एन ए बहुत ही स्मॉल है तो हम लेमडा के क्लोनिंग वैक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं लेमडा के क्लोनिंग वैक्टर्स में क्या होता है जो नॉन असेंशियल रीजन अराउंड फिफ्टीन के बी का रीजन है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पर हमारा जो डिज़ायर डी एन ए है या डी एन ए इंसर्ट है उसको अटैच कर दिया जाता है रिप्लेस कर दिया जाता है अब ये नॉन असेंशियल रीजन जो है लेम्डा जीनोम का उसमें इंटीग्रेशन और रिकॉम्बिनेशन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कि द्वारा लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो किया जा सकता है क्योंकि हमारे लेमडा क्लोनिंग वेक्टर्स में ये दोनों जीन्स नहीं है तो वो होस्ट क्रोमोजोम के साथ जुड़ेंगे नहीं इंटीग्रेट नहीं करेंगे और सिर्फ लाइटिक साइकिल को ही फॉलो करेंगे दो बेसिक टाइप के वेक्टर्स हैं हैंमडा इंसर्शन वेक्टर और लैमडा रिप्लेसमेंट वैक्टर सबसे पहले लेमडा इंसर्शन वैक्टर्स को समझते हैं जैसे इंसर्शन मतलब कोई चीज उसमें ऐड कर देना यानी जोड़ देना तो ये सिम्पलेट फॉर्म ऑफ क्लोनिंग वेक्टर है इसमें क्या किया जाता है जो नॉन असेंशियल रीजन है उसको कट किया जाता है और कट करने के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है और दो जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको लाइगेशन के द्वारा ज्वाइन किया जाता है इससे हमारा लेमडा इंसर्शन वैक्टर बन जाता है इस लेमडा इंसर्शन वैक्टर में एटलीस्ट एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट जिसमें कि जिसके द्वारा हम अपने डिज़ायर डी या ए डी एन इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकें यानी जोड़ सकें इसमें हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट जिसको हम जोड़ सकते हैं यानी डिज़ायर डीएनए जो है वो अराउंड एट टू ट्वेल्व के बी का हो सकता है ये डिपेंड करता है कि हमने कितना नॉन असेंशियल रीजन रिमूव किया है इसका एग्जाम्पल है लेम्डा जी टी टेन ये अराउंड एट के बी ऑफ न्यू डी एन ए को इंसर्ट कर सकता है और इसका इंसर्शन होता है बाय कटिंग एट इको आर वन साइट ईको आर वन साइट पर कट किया जाता है और ये इको आर वन साइट प्रेजेंट होती है सी आई जीन के ऊपर तो इसकी वजह से इको आर वन साइट पर जब कट करके न्यू डी एन ए अटैच किया जाएगा तो सी आई जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सी आई जीन भी कहते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि लेमडा जी टी टेन ये हमारा वैक्टर है फोर्टी के बी साइज़ का है और इको आर वन साइट सी आई जीन पर प्रेजेंट है जिसकी वजह से सी आई जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे जिसमें डीएनए इंसर्ट होगा यहाँ पे वो क्लियर प्लाक्स शो करेंगे बट जिनमें यहाँ पे इंसर्शन नहीं होगा जो एज इट इज़ होंगे वेक्टर्स, वो धुंधले यानी टर्बिट प्लाक्स को शो करेंगे दूसरा एग्जाम्पल है लेमडा जैप टू ये अराउंड टेन के बी डी एन ए को इंसर्ट कर सकता है और ये इंसर्ट करता है छः सिक्स रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे, जो कि प्रेजेंट है पॉली लिंकर रीजन में और ये पॉली लिंकर रीजन जो है वो प्रेजेंट है लेमडा जेड जीन की लोकेशन पे तो जब इस पॉलीलिंकर पे कट करके जी साइट पे कट करके रेस्ट्रिक्शन साइट पे न्यू डीएनए इंसर्ट किया जाता है तो ये लैक जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है तो जब हम इन बैक्टीरियो फेजेस को लेमडा गैल अगार मीडिया पे ग्रो कराते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट हैं जिनमें कि लैग जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया है वो क्लियर प्लाक शो करते हैं बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं जहाँ पे ये डीएनए इंसर्ट अटैच नहीं हुआ है या जो एज इट इज़ वैक्टर्स हैं वो ब्लू प्लाक शो करते हैं दूसरा है हमारा रिप्लेसमेंट वेक्टर जो रिप्लेसमेंट वेक्टर है इनकी डीएनए इंसर्ट को कैरी करने की कैपेसिटी है टेन टू ट्वेंटी के भी रिप्लेसमेंट वैक्टर जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं इसमें कोई चीज़ रिप्लेस हो रही है तो इसके लिए इसमें दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए और ये रेस्ट्रिक्शन साइट स्टफ़र फ्रेगमेंट के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं और इन रेस्ट्रिक्शन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने पर यह दोनों साइड्स पर कट हो जाता है स्टफ़र फ्रेगमेंट और क्योंकि ये फ्रेगमेंट दोबारा भी इस पर ज्वाइन हो सकता है तो कई एंजाइम एडिशनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट कर दिया जाता है और ताकि ये री इंसर्ट ना हो पाए और जब ये रिस्टफा फ्रेगमेंट रिमूव होता है तो इसकी जगह पे हम अपना डिज़ायर डीएनए अटैच कर सकते हैं जो रिप्लेसमेंट फैक्टर्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ज़्यादा लार्ज डीएनए को कैरी करने के लिए और इनको इजी टू हैंडल बनाने के लिए वजह कि इंसर्शन वैक्टर्स के जो हमारे रिकॉ सिलेक्शन होता है अब ये इजी टू हैंडल कैसे हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर वो समझते हैं जैसे कि हमने देखा इंसर्शन वेक्टर्स में जो सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स है बट रिकॉम ये हमारे जो रिप्लेसमेंट वेक्टर हैं इनमें रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन कैसे होता है अगर हमारी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने दो साइड पर कट किया और स्टफ़र फ्रेगमेंट रिमूव हुआ तो हमारा जो वेक्टर है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा बट अगर हमारे दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो साइड्स पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया और स्टफ़र फ्रेगमेंट को रिमूव किया और उसकी जगह पे न्यू डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो हमारा जो वेक्टर का साइज़ है वो सेम रहेगा बट यहाँ जब वेक्टर का साइज़ स्मॉल हो जाता है तो ये फेज के हेड में पैकेज नहीं हो पाता और इस पैकेज नहीं हो पाता और सिर्फ यही वाला जो जिसमें कि न्यू डीएनए एन इंसर्ट है वही पैकेज हो पाता है इस प्रकार इसका सिलेक्शन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड पैकेजिंग इनटू फेज हेड्स इसका एग्जांपल है लेम्डा ई एम बी एल फोर ये अराउंड ट्वेंटी के बी ऑफ डी एन इंसर्ट को कैरी करता है और जो स्टफो फ्रेगमेंट इसमें रिमूव होता है उसके दोनों तरफ साइट्स होती हैं इको आर वन की बैम एच वन की और साल वन एंजाइम्स की इन तीनों एंजाइम्स में से किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमारा जो आ, ये लैम्डा ई एम बी एल फोर है इसको कट किया जा सकता है और इसके स्टफर फ्रेगमेंट को रिमूव किया जा सकता है इस क्योंकि ये थ्री डिफरेंट एंजाइम्स हैं ये तो ये थ्री डिफरेंट हमें वैरायटी ऑफ स्टिकी एंड्स मिल जाते हैं और हम सेम एंजाइम से अपने डीएनए इंसर्ट को भी कट कर सकते हैं और उसके बाद लाइगेशन के द्वारा हम इस डीएनए इंसर्ट को अपने क्लोन जो वेक्टर है लैम्डा रिप्लेसमेंट वेक्टर उसमें क्लोन कर देते हैं इसके बाद हम समझेंगे इन विट्रो पैकेजिंग ऑफ लैम्डा क्लोनिंग वैक्टर्स लैम्डा क्लोनिंग वैक्टर की इन विट्रो पैकेजिंग कैसे होती है कि हम दो म्यूटेंट जो फेजिस को लेते हैं जो हमारा प्रोटीन ई e है वो भी उसकी एब्सेंस में क्या होगा हमारा जो लैम्डा फेज है उसकी पैकेजिंग पूरी तरह से नहीं हो पाएगी सिमिलरली प्रोटीन डी की भी एब्सेंस में हमारे जो लैम्डा फेज हैं उनकी आ, भी पैकेजिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती तो हम डिफरेंट म्यूटेंट फॉर्म्स लेते हैं और उनमें लिसिस कराते हैं जिससे हमें टेल असेंबली प्रोटीन और प्रोटीन डी मिल जाता है बट प्रोटीन ई की एब्सेंस के कारण इसमें पैकेजिंग नहीं होती सिमिलरली इसमें भी प्रोटीन डी के एब्सेंस के कारण पैकेजिंग नहीं होती फिर हम इन दोनों लाइसोजन को मिक्स करते हैं विद हम जो हमारे लैमडा क्लोंड डीएनए यानी वेक्टर्स के साथ जिसके बाद सक्सेसफुल पैकेजिंग होती है तो ये थे हमारे लेमडा वेक्टर्स इसके बाद हमारा एक और लैम्डा फेज वेक्टर है जिसको हम कहते हैं कॉज्मेड ये एक्चुअली एक हाइब्रिड है बैक्टीरियो फेज लेम्डा डी का और प्लाज्मेड का कॉज्मेट डी जो है वो होस्ट में रेप्लीकेट कर सकता है लाइक प्लाज्मेट और पैकेज भी हो सकता है फेज में लाइक फेजेस जो मोस्ट ऑफ द कॉजमिट हैं उनका साइज़ है फाइव के बी तो ये इजीली मेंटेन हो सकते हैं इक्ोलाइज सेल्स में कॉजमिट वेक्टर्स में अराउंड फोर्टी फाइव के बी डिज़ायर डी या डीएनए इंसर्ट की क्लोनिंग हो सकती है जो कि थ्री टाइम्स लार्जर है बाय लेमा फेज ये जो हमारे कॉजमिट्स हैं इनमें लिटिक जीन्स एबसेंट होते हैं इसके बाद हम समझेंगे डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या हैं कॉजमिट के कॉजमिट बेसिकली एक प्लाजमिट है जिसमें कि कॉस साइड बस प्रेजेंस हैं और क्योंकि इसमें लेमडा कॉसाइड प्रेजेंट है इसलिए बैक्टीरियो फिज हेड में पैकेज हो सकता है इसके अलावा कॉजमिट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन जो कि कॉजमिट के रेप्लीकेशन और कॉपी नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स जो कि डिज़ायर डी को क्लोन करती है वो प्रेजेंट होती हैं क्योंकि कॉजमिट में लैमडा के कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होते इसलिए ये प्लाक्स का फॉर्मेशन नहीं करते बल्कि ये सेलेक्टिव मीडिया पे प्लाजमिट की तरह कॉलोनीज को बनाते हैं इसका एग्जाम्पल है पी जे बी एट इसके बाद हम समझेंगे कि कॉस्मिड वेक्टर्स में क्लोनिंग कैसे होती है जो हमारा डिज़ायर डीएनए है पहले हम उसको किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं उसके बाद हम कॉस्मिड डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं फिर हम अपने डी इंसर्ट को कॉस्मिड डी के साथ मिक्स कर देते हैं इन प्रजेंस ऑफ लाइगेज एनजाइम तो जो कॉस्मिड है फॉरेन डीएनए के साथ पैकेज हो जाता है बैक्टीरियो फेज हेड में यहाँ पे इन विट्रो पैकेजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट दो रिक्वायरमेंट्स हैं पहला तो कॉस साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए दूसरा ये कॉस साइट आपस में अब एक दूसरे से थर्टी सेवन से लेके फिफ्टी वन पेयर तक एटलीस्ट दूरी इनकी होनी चाहिए तो जो हमारा ऑप्टिमल रिएक्शन है या लाइगेशन है वो प्रोड्यूस करता है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जिसमें कि फट्टी के बी डी इंसर्ट हो और दो फ्लैंकिंग कॉस साइड्स हो जब इन्फेक्शन होता है इकोलाइज e सेल्स में तो कॉस्मिड वेक्टर अपने आप सर्कुलाइज कर जाता है क्योंकि उसमें कॉस साइट प्रेजेंट होती हैं और वो रेप्लीकेट करता है एज प्लाज्मे अब हम इसको और उसके बाद उसका कॉपी नंबर जो है वो और आई जीन उसका कॉपी नंबर जैसे जिसमें कॉल ई है वो उसका कॉपी नंबर मेंटेन करता है जैसे यहाँ पे पी जे बी एट है उसको हमने कट किया बैम एच वन से और सिमिलरली हमने अपने डिज़ाइन इंसर्ट को भी कट किया बैम एच वन से और लाइगेट कर दिया इनको इसके बाद हमारा जो इनविट्रो पैकेजिंग में ये इसका कैटिन बन जाता है इस प्रकार से बैम एच वन फिर कॉस साइड फिर एम रेजिस्टेंट जीन फिर न्यू डी एन ए फिर क्रॉसाइड इस तरह से इसका कैटन बन जाता है और इनवेटर पैकेजिंग के दौरान रिकॉम्बिनेंट कॉस्मिड्स में ये हमारा कॉस साइट से यहाँ साइड साइड्स पे कट होकर के ये फेजेस में पैकेज हो जाता है जब ये फेज इन्फेक्ट करते हैं ई कोसलाई सेल को तो साइट की प्रेजेंस की वजह से ये हमारे सर्कुलराइज हो जाते हैं ये डीएनए और प्लाज्मिड की तरह फिर इसके अंदर रेप्लिकेट करते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं कॉस्मिट के कॉस्मिट क्लोनिंग वेक्टर्स क्योंकि इसमें लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट की क्लोनिंग और मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं मेनली ये कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी में इनका रोल है इसके बाद आता है एम थर्टीन फेज एम थर्टीन एक फिलामेंटस फेज है जिसमें कि सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डी प्रेजेंट होता है जो कि सिक्स बेस पेयर का होता है एम थर्टीन फेज जो है वो इक्वलाइज e. सेल में एंटर करता है थ्रू बैक्टीरियल सेक्स प्लस और एंटर करने के बाद ये एम थर्टीन फेज जो है जिसमें कि एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में जिसको कहते हैं रेप्लीकेटिव फॉर्म अब ये रेप्लिकेटेड फॉर्म में दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेप्लीकेटेड फॉर्म तब तक रेप्लीकेट करती रहती है जब तक कि एटलीस्ट हंड्रेड कॉपीज़ नहीं बन जाती बैक्टीरियल सेल के अंदर लेकिन सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रैंड ही पैकेज होता है और पैकेज होने के बाद न्यू वायरस पार्टिकल्स जो बनते हैं लिटिक साइकिल में यानी लिसिस के बाद जो बैक्टीरियल सेल से बाहर आता है एम थर्टीन फेज उसमें सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रैंड ही पैक होता है जो रेप्लिकेटेड फॉर्म है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं प्लाजमेट की तरह और जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है जो लिटिक साइकिल के बाद बैक्टीरियल सेल से बाहर आती है उसको यूज़ कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में और साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेसिस में अब हम समझते हैं एम थर्टीन वैक्टर्स को एम थर्टीन वैक्टर्स को मेनली प्रिपेयर किया जाता है क्लोनिंग के लिए और इसमें क्या होता है जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करती है तो रेप्लीकेटिव फॉर्म जो है डी है उसको ही सिंगल साइड पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की के द्वारा कट किया जाता है और ये कट जो है ये पॉलीलिंकर रीजन में किया जाता है और ये पॉलीलिंकर रीजन में कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि पास पास हैं यानी क्लोजली पेड प्लेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उसके बाद जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है और लाइगेज की प्रेजेंस में इसको जो डिज़ायर डीएनए है वो लाइगेट हो जाता है वेक्टर के रेप्लिकेटिव फॉर्म में अब इसमें जो फॉरेन डीएनए है उसको दो डिफरेंट ऑरिएटेशन में यानी दो या तो पॉजिटिव और नेगेटिव फाइव डैश से थ्री डैश या थ्री डैश से फाइव डैश इस ओरिएंटेशन में भी या इधर उसको ऑपोजिट ओरिएंटेशन में भी इसमें इंसर्ट या क्लोन किया जा सकता है तो क्या होगा जब हम जो ये दोनों डायरेक्शंस में क्लोन इंसर्ट हो जाएगा तो क्या होगा जो हमारे आधे वायरसेस लिटिक साइकिल के बाद जब बैक्टीरिया से की लिसिस हो जाएगी तो आधे वायरसेस या एम थर्टीन फेज जो होंगे उसमें एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा और आधे वायरसेस या फेज होंगे उसमें दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा डिज़ायर डी एन ए का अब ई कोलाई के इन्फेक्शन पे एक सिंगल वायरस पार्टिकल के लिए कई जब हम एम थर्टीन फेज का इन्फेक्शन होता है ई e. कोलाई में तो कई एक सिंगल एम थर्टीन फेज से बहुत सारे हमारे वायरस पार्टिकल्स को लिसिस uh, के दौर बाद निकलते हैं जिसके के कारण एक अगर हमने एक सिंगल फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है तो हमारे पास उसकी मल्टीपल कॉपीज हो जाएंगी एम थर्टीन वैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में आते हैं पेयर्स कैसे जैसे एम थर्टीन एम पी एट और एम थर्टीन एम पी नाइन सिमिलरली एम थर्टीन एम पी टेन और एलेवन एम थर्टीन एम पी एटीन और एम थर्टीन एम पी नाइनटीन ये वैक्टर्स क्या हैं ये सेम एम थर्टीन फेज है बट इनका जो पॉली लिंकर का ऑरिएंटेशन है ये ऑपोजिट है ताकि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के स्ट्रैंड्स इसमें क्लोन किए जा सके तो जो हमारा एम थर्टीन एट है ठीक है अगर उस कोई डी एन ए इंसर्ट किया गया एम थर्टीन एट में तो उसको हम उसको अपोजिट ऑरिएंटेशन में रिवर्स ओरिएंटेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं एम थर्टीन एम पी नाइन में अब जो कि क्योंकि पॉलीलिंकर रीजन अभी हम सम आगे देखेंगे जो हमारा ये पॉलीलिंकर जिसमें रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है लैक जेड जीन की लोकेशन पे इसलिए लैक जेड के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्क ऑन एस अगार मीडियम अब हम समझते हैं यहाँ पे हमें इजी और समझ में आएगा जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एम थर्टीन वैक्टर को जैसे हमारे पास एम थर्टीन फेज था सबसे पहले इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी कोई सेलेक्टेबल मार्कर नहीं था रेस्ट्रिक्शन लाइगेशन के द्वारा इसमें सबसे पहले लैक्स जेड साइट बनाई गई इसको हमने कहा एम थर्टीन एम पी वन अब ये एम थर्टीन एम पी वन में लैग जेड साइट तो थी पर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं थी तो इन इनविट्रोमिटोजेनिस के द्वारा इसमें ईको आर वन की साइट बनाई गई एक सिंगल बेस के रिप्लेसमेंट के बाद दूसरा इसके बाद ये एम थर्टीन एम पी टू बन गया ये एम थर्टीन एम पी टू में ईको आर वन साइट पर कट किया गया और पॉलीलिंकर रीजन जिसमें कई सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थी उसको यहाँ पर अटैच किया गया इको आर वन की साइट पर तो हमारा बना एम थर्टीन एम पी सेवन अब इस पॉली लिंकर साइट में कई सारे चेंजेस कर करके इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैच करी तो हमारे पास एम थर्टीन एम पी एट एम थर्टीन एम पी नाइन ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम थर्टीन फेज वैक्टर्स बने इसके बाद और यहाँ ये पॉली लिंकर का ओरिएंटेशन जैसे हमने पहले बताया इसको ऑपोजिट ओरिएंटेशन कर देंगे जैसे एम थर्टीन एम पी सेवन है ये इसके बाद एम थर्टीन एम पी एट बना अब इसके पॉली लिंकर का ऑरिएटेशन चेंज कर देंगे तो एम थर्टीन एम पी एट और एम थर्टीन एम पी नाइन बन जाएगा इसके बाद हम जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं एम थर्टीन फेज वेक्टर्स के क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोजनीस बन जाती हैं एम थर्टीन फेजस की तो क्या होगा हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में प्योर सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट हमें मिल जाएगा एम थर्टीन फेज जब ई e कोलाई से बाहर आएगा लिस्स करके अब दूसरी बात क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो एम थर्टीन फेज है ये अपने जो बैक्टीरियल होस्ट है यानी इकोलाई सेल्स को किल नहीं करता है ये उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है यानी कम कर देता है इसलिए इसका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है तो हम इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी रेप्लिकेटेड फॉर्म है उससे हम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं ठीक है उसमें हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं और डिज़ायर डी एन इंसर्ट करने के बाद हम जब वो इकोलाइज सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और इकोलाइज सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद जब इकोलाइज सेल्स में लिसिस होगी तो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम थर्टीन मिल जाएंगे जिससे हम अपने सिंगल स्टैंडर्ड डिज़ायर डी एन या इंसर्ट्स को पा सकते हैं कई सा, बहुत सारी क्वांटिटी में अबंडेंट मिल जाता है ग्रोथ मीडियम के अंदर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं ये बहुत ही प्रिसाइज है डीएनए सीक्वेंसिंग इसके द्वारा बहुत प्रिसाइज की जा सकती है जिसमें हम दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स को यूज़ कर सकते हैं दूसरा है कि एम थर्टीन फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब्स को बनाने के लिए भी एम थर्टीन फेजस का यूज किया जाता है बस इसका एक सिंगल डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम बहुत ही स्मॉल साइज फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकते हैं अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड बी एसपीयर वैसे इसकी ओकेजनली मैक्सिमम कैपेसिटी थ्री के बी तक भी है इसीलिए बाद में फेजमिट्स का हम लोगों ने इन्वेंशन हुआ था अब ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे एम थर्टीन प्लाजमेट लैमडा फेज क्वाजमेट बैग ये इनके होस्ट सेल हैं और ये इनके इंसर्ट साइज़ हैं आप इनको यहाँ से लर्न कर सकते हो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है वेक्ट, क्लोनिंग वैक्टर्स बेस्ड ऑन वायरल डीएनए का अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे यूकैरियोटिक फैक्टर्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिसका नाम है बाय टेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर